जो दिग्विजय जगह जो है काम कर रहे हैं अपने वार्ड में, सब संतुष्ट हैं, सेटिस्फैक्टरी वर्क है इनका। उम्मीद है कि इस बार बेहतर कार्य कर पाएंगे। हाँ, उम्मीद तो है, और इसी उम्मीद में हम लोग बैठे, हमारे कॉलोनी का भी मामला है, इस सिलसिले में यहाँ हम बैठे हुए हैं। क्या मामला है? नाली का प्रॉब्लम है, उसी के लिए आए। हाँ, जल जमाव का समस्या है। अच्छा, क्या नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, राशन भी नहीं, बच्चे लोगों को जुटवाने हैं। जुटवाने आए हैं तो यहाँ जो कार्य हो रहा है उससे आप खुश हैं कि यहाँ कार्य होता है? खुश है, खुश है, इसलिए कि हम लोग का रोड भी अभी उधर का बना है। हाँ, मुखिया जी का चलते है, पानी भी पहले नहीं था, नहीं पहले उधर का नहीं था, अब बन गया। हाँ, बन गया। नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं देखिए, हम लगातार जो है फुलवारी प्रखंड के सर्वे पे हैं और हर पंचायत में जाके देख रहे हैं कितना कार्य, कितना विकास हुआ है। उसी क्रम में अभी हम नौसा पंचायत पहुंचे हैं, जहां की पहली बार जीत के जनता के समय प्रयास से नौसा परवीन जो है मुखिया बनी है और उनको लीड कर रहे हैं मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर अकबर की और सरोजी। तो हम इनसे बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि विगत के समय में इस पूरे पंचायत में आखिर कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, कितने कागजी घोड़े दौड़ाए गए और आपके आने के बाद आखिर कितना युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा पर चर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आला अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे कि आखिर फुलवारी प्रखंड के नौसा पंचायत में आप देखिए कितना कार्य, कितना विकास हुआ है और मुखिया जी कितने युद्ध स्तर पर जो है क्षेत्र में जाके पंचायत में जाके कार्य कर रहे हैं और कितने योजनाओं को धरातल पर लाए हैं, कितने योजनाओं को हर घर तक पहुँचाए। तो चलिए इस स्तर में हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरी पंचायत का हाल अंत ही दौरान मिशन 24 में आएंगे। सब सर, मेरा पहला सवाल है कि जनता के स्नेह और प्यार से पहली बार आपको जीत के जो है मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर काम करने के लिए शामिल किए गए, अभी तक में युद्ध स्तर पर कितना काम आप कर पाए और कितना विकास कर पाए? पहले तो कुछ हुआ ही नहीं था, हमने 4 नंबर में काम किया, 5 नंबर में काम किया, आपको व्यास नगर में पूरे व्यास नगर मस्जिद से मोन रोड तक का बनाने का नाली के साथ किया, अभी फिलहाल इमाम कॉलोनी में काम लगवा कर वहाँ पर भी काम लगवा, अभी वहाँ का बेस्टर रख दिया, फंड कितना हुआ जी इसमें काम को अभी 1 महीना होगा नहीं, और यही सब होगा। क्या जनरल योजना आपके यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है? जनरल योजना दर्जन स्थिति में ही, जहाँ हुआ पूरी तरीके से हुआ भी नहीं हुआ, मान लीजिए 25% हुआ है, 75% नहीं हुआ। जनता इसके लिए तो आपके पास शिकायत लेके आया, नया जलन योजना हम अपने योजना में लिए हैं, अब आचार संहिता के बाद देखा जाएगा। और कचरा प्रबंधन वो दिया हुआ सारा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, इंशाल्लाह 1 से 2 महीने में कम्प्लीट हो जाएगा। जैसे अभी कचरा प्रबंधन में उठाव का काम हो रहा है? जी नहीं, अभी 500 अभी पैनिक हुआ है, भुगतान होगा फिर हम लोग खरीदेंगे, डस्टबिन खरीदेंगे, एलईडी रिक्शा खरीदेंगे, सब चीज़ खरीदेंगे, उसके बाद जनता को सेवा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, जिसके तहत गरीबों को जो है आवास उपलब्ध कराया जाता है, आपके यहाँ क्या है? जैसे पहले तो जो था वो तो मिल ही रहा है, अभी नया ऐसे सरकार की तरफ से आया नहीं है जो हम जनता को भराए, अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं, आएगा तब ना भराएगा। तो लगातार ये प्रयास इनका है, युद्ध काम कर रहे हैं पंचायत में, गए थे और मुझे कार्यालय जब हम पहुँचे तो कई लोग जो है यहाँ पे मौजूद थे और मुख्य वेट कर रहे थे कि वहाँ विचार करके जो समस्या है उससे बड़ी कराएंगे। लगभग कितने लोग आपके कार्यालय आ जाते हैं समस्या? देखिए, कहने का मतलब पैसा है, पहले कुछ ऐसा नहीं था, हम अपना पैसा से सारा सिस्टम उस्टम जो पेज भी है अपना पैसा ही से लगाते हैं, राशन कार्ड हो, आवासीय हो, या वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, कन्या विभाग हो, कुछ भी हो, सब फ्री में यहाँ हो रहा है, ये उनका नहीं गया, जो भी खर्चा होता है या स्टाफ जो बचते हैं सबका भुगतान हम अपने पैसे से, और इससे ज़्यादा जनता के लिए क्या किया जाता है, तो ऐसी सुविधा नहीं था, हमने दिया। अब आप देख भी रहे हैं कि सब फ्री में करवा रहे हैं जितना भी है यहाँ पर, इसीलिए हमारे पास भीड़ लगा हुआ है, डेली 50-100 लोग आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने पैसे से मिला के समाज सेवी हैं और इसीलिए समाज के बीच जुड़े हुए हैं, और समाज के लोग जब मुख्य प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करना चाहते हैं तो लोग इनके पास पहुँचने लगे अपनी समस्या को लेकर, उसके निदान करने के लिए जो है ये अपने इसी कार्यालय में जो है सारा सिस्टम बैठा के जो है लोगों की समस्या को सुन रहे हैं, जिसकी जो समस्या है उसको उस तरह से स्तर पर जो है जाके निदान करने की कोशिश करते हैं, जिससे इनकी पहचान बेहतर हो सके, पंचायत बेहतर हो सके।
बेटा अगला सवाल था कि मुख्य समस्या क्या है इस पंचायत का जिससे रूबरू होना पड़ रहा है? मुख्य समस्या है भाई नाली गली रोड, विकास कुछ हुआ ही नहीं था। हमें जनता लोग अच्छा वोट से जीता है ये सोचते कि हमारा काम करेगा, तो हमने काम जहाँ तक हुआ तो हमने काम किया। और 20 साल से काम नहीं हुआ है, एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा और फंड भी कम होता है, 1 करोड़ में क्या कर लीजिएगा, उसमें भी ये लेना है वो लेना, सब सिस्टम है टाइड एंड टाइड जिसका सारा सिस्टम, उसके लेट के बावजूद हमने जितना भी अपनी योजना में डाला एक भी योजना छोड़ा नहीं। अब नया योजना लिया है तो फिर उसको भी जैसे कि रहता है ले लिया, काम नहीं करवा रहे हैं अगला साल कर रहे हैं अगला साल, ऐसा कुछ नहीं, योजना चहक गया उसको काम करवा देते हैं चाहे वो कहीं भी मेरे पंचायत। चलिए योजना आते ही योजना चढ़ाते ही काम का युद्ध स्तर पर शुरुआत कर देते हैं और चाहे उसके बाद में जो प्रक्रिया उसे पूरा करते हैं, क्योंकि इनका कहना है और ये पंचायत में भी जब हम सब गए थे घूमने के लिए तो लोग काफ़ी समस्याओं से रूबरू करा रहे थे। उनका कहना था कि इस पंचायत में भी जब 4 टर्म में कोई काम नहीं हुआ है था, इसलिए जनता ने इस बार बदलाव के मूड में आके जो है मुखिया जी को बदले हैं और इस नए मुखिया से उम्मीद करते हैं कि हर कार्य हर विकास जो जनता की है जो धरातल का आना चाहिए घर तक आना चाहिए उसके लिए इनसे बात जो होते हैं इनकी ओर देखते हैं कि हर हालत में सारे विकास के कार्य शुरू हों। इनका भी हमारे माध्यम से जो है अपनी बातों को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जब आए हैं जीत के तो हम अपने स्तर पर एक पेज भी अपने पैसे से लगा के सबसे पहले विकास के कार्य को कर रहे हैं, अपने कार्यालय में लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उसे निदान करने की कोशिश कर रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह बेहतर स्वच्छ स्वस्थ और एक आदर्श पंचायत के तौर पर नौसा पंचायत जो है बिहार के पटल पर जो है सामने आए। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़, नमस्कार।